डायरेक्ट चेक पे हम लोग क्लिक करेंगे। चेक पे क्लिक करने के बाद जो अगला पेज ओपन होगा वो सीधे आपको आपकी रिपोर्ट की तरफ लेके जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हो अब नीचे मेरी रिपोर्ट आ चुकी है, जो मेरा गांव का बंदा था इसकी। आप लोग देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है फिट। पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग इसमें। पीडीएफ देखने के बाद जैसे आप नाम देख सकते हो सतीश कुमार, मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है, जेंडर भी लिखा हुआ है जेंडर मेल, पासपोर्ट नंबर भी है, एज 21 लिखी हुई है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है 30/11/2030, ठीक है, नेशनलिटी इंडियन है, प्रोफेशन वर्कर लिखा हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट ऑनलाइन कैसे चेक करें, क्योंकि ऐसा होता है बंदा मेडिकल जब कराने जाता है, मेडिकल होने के बाद उसकी उत्सुकता थोड़ी बढ़ जाती है कि अपना मेडिकल रिजल्ट कैसे देखूँ मैं, कैसे चेक करूँ कि मेरा मेडिकल रिपोर्ट फिट आई है या अनफिट आई है। मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले, जो मेडिकल कॉलेज वाले रिपोर्ट देते हैं उसके आने से पहले, वो बंदे को थोड़ा उत्सुकता बढ़ जाती है उसकी कि यार मैं कैसे चेक कर लूँ, मैं कहाँ से देखूँ कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट फिट है या अनफिट है। या ऐसा भी हो जाता है कि अगर आज आप मेडिकल कराने गए हो तो कोई टेक्निकल इशू के चक्कर में आज आपकी रिपोर्ट नहीं मिल पाई, तो फिर मेडिकल वाले बोलते हैं आप ऐसा करो कल आ जाना मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए। पर बंदे के अंदर जो उत्सुकता है वो तो जगी रहती है और वो और भी बढ़ती रहती है कि जितना टाइम बीतता रहता है कि यार मेरी मेडिकल रिपोर्ट फिट है या अनफिट है पता नहीं। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि आखिर आप लोग कहाँ से देख सकते हो आपका मेडिकल होने के बाद। उन लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन करने के बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बनाने के बाद आपको तत्काल में दे देते हैं कि यार आपकी रिपोर्ट है फिट है अनफिट है, आप देख लो। बट ऑनलाइन उससे पहले चढ़ जाती है, तो आप लोग भी देख सकते हो अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन, कहाँ से देख सकते हो, कैसे देखते हो, सारी बातें हम लोग जानने वाले हैं आज। और दूसरी बात, ऐसा भी होता है कि मेडिकल रिपोर्ट अगर आपकी अनफिट आ गई, जैसे बाद में भी आपको मालूम पड़ा कि आपकी रिपोर्ट अनफिट है, तो कब तक वो ऑनलाइन अपडेट रहेगी वो भी आप देख सकते हो। ऐसा होता है कि 60 दिन का टाइम होता है, अभी जो अभी न्यू मेडिकल होते हैं इसमें 60 दिन का टाइम होता है कि 60 दिन तक आपकी रिपोर्ट जो ऑनलाइन रहती है उसमें। बट आप ये भी देख सकते हो कि कब तक आपकी रिपोर्ट पड़ी हुई है उस पर ऑनलाइन, जब तक आप दूसरा मेडिकल नहीं करा सकते हो, ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद में अपनी रिपोर्ट फिट भी होगी वो भी आप चेक कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी नहीं जानते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिले। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए फटाफट से करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, उसके बाद में आपको दिखाता हूँ कि आखिर कहाँ से आप लोग कौन सी वेबसाइट से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों साइड में देख सकते हो आप लोग मोबाइल स्क्रीन, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग गूगल क्रोम पे, उसके बाद में बताता हूँ आपको कौन सी वेबसाइट जहाँ से आप लोग अपनी मेडिकल रिपोर्ट चेक कर सकते हो। तो आ चुके हैं हम लोग मोबाइल स्क्रीन पे। अब सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम ओपन करते हैं, ठीक है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कहाँ से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टैप करते हैं, हम लोग सर्च करते हैं इसमें wafit.com। जैसे हम लोग जैसे मैंने इस पे टैप किया WAFID वाफिट, आप लोग देख सकते हो सबसे ऊपर वेबसाइट आ चुकी है इसकी, ठीक है। अभी अपनों को डायरेक्ट पेज पे लेके गया जहाँ से आप लोग मेडिकल रिपोर्ट चेक कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट अपना पासपोर्ट नंबर या जो वाफिट स्लिप होती है जो आपको मेडिकल उसमें मिलती है, वो स्लिप नंबर डाल के आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप पासपोर्ट नंबर आप डाल के भी चेक कर सकते हो, ठीक है। हम लोग पासपोर्ट नंबर से चेक करने वाले हैं, तो हम लोग इसमें पासपोर्ट नंबर टाइप करेंगे। अब इसमें देखिए मेरा जैसे पासपोर्ट नंबर इसमें ऑलरेडी सेव है, मेरे गांव का बंदा था उसका पासपोर्ट नंबर है, आप लोग देख सकते हो V03238 90। तो हम लोग यही टाइप कर देंगे इसमें, ये फिल कर देंगे इसमें, इसके बाद में हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये फिल करते हैं, फिल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं नेशनलिटी चूज करते हैं। नेशनलिटी जैसे मेरी इंडियन है तो मैं इंडियन चूज करूंगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं थोड़ा नीचे, ठीक है। आप लोग देख सकते हो इंडियन इस पे लिखी हुई है, हम लोग इस पे टैग करेंगे। उसके बाद में डायरेक्ट चेक पे हम लोग क्लिक करेंगे। चेक पे क्लिक करने के बाद जो अगला पेज ओपन होगा वो सीधे आपको आपकी रिपोर्ट की तरफ लेके जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हो अब नीचे मेरी रिपोर्ट आ चुकी है, जो मेरा गाँव का बंदा था इसकी। आप लोग देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है फिट। पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग इसमें। पीडीएफ देखने के बाद जैसे आप नाम देख सकते हो सतीश कुमार, मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है, जेंडर भी लिखा हुआ है जेंडर मेल, पासपोर्ट नंबर भी है, एज 21 लिखी हुई है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है 30/11/2030, ठीक है, नेशनलिटी इंडियन है, प्रोफेशन वर्कर लिखा हुआ है, ठीक है, और मैरिटल स्टेटस लिखा हुआ है अनमेरिड है, बंदा मतलब शादी वादी नहीं हुई इसकी, ट्रैवल टू सऊदी अरबिया भी लिखा हुआ है, सऊदी अरबिया के लिए मेडिकल कराया गया था, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन हाइट लिखी हुई है 166, मतलब इसमें टोटल दिखा हुआ आप लोग जैसे देख सकते हो वापस। अब इसका जो है ना पीडीएफ भी आप लोग निकाल सकते हो, जो ऊपर दिखा रहा था पीडीएफ, आप लोग वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन में पढ़ा रख सकते हो, कभी भी आपको काम आ सकता है, ठीक है। इसे नेम सतीश कुमार, मोबाइल नंबर भी इसने जो अपडेट किया होगा वो मोबाइल नंबर पढ़ा होगा, 10 अंक का मोबाइल नंबर, बाकी 00 दिखा रहा है क्योंकि मोबाइल नंबर इस पे शो नहीं करता है, इस पे ये दिखा रहे हैं, ठीक है। और नीचे हम लोग आ गए, जैसे नीचे देख सकते हो हाइट 166, मेडिकल सेंटर एटलांटिस डायग्नोस्टिक सेंटर है, लखनऊ में पड़ता है, और इसके वेट 63 किलो लिखा हुआ है, मेडिकल एग्जामिनेशन डेट लिखे हुए 10/10/2023 को मेडिकल हुआ था इसका। तो अभी जो आज की डेट है 10 तारीख, अब आज की डेट में आप समझिए इसका सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि
2 महीने इसके हो चुके हैं, 10 10 को हुआ था, आज 10 12 है, ठीक है। तो ये आज खत्म हो जाएगा, बट इसका मोफा लग चुका होगा, इसका वीजा भी स्टाम्प हो चुका होगा, तो फिर ये आगे उसका काम कर जाएगा, क्योंकि वीजा की डेट भी चालू हो जाएगी। अभी मेडिकल से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल फिट उस पर लग गया था वीजा पे, वीजा स्टाम्प हो गया होगा, तो वीजा की डेट चालू हो जाएगी, 3 महीने की जरूरत थी, 3 मंथ का, ठीक है। ये सिस्टम इसका होता है। तो अब जब वीजा का टाइम चालू हो जाएगा, तो वीजा जब यहाँ से स्टाम्प हो गया, उसका इमिग्रेशन हो जाएगा, टिकट हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, तो 3 महीने तक का टाइम उसके पास वहाँ भी बचेगा। इसे यहाँ पे अगर 3 महीने का टाइम है, तो अगर 1 महीना यहाँ पे निकल गया, तो 2 महीना का टाइम आराम से बचेगा वहाँ पे। 2 महीने के बाद वो उसका अकाउंट बना देगा, उसका स्पॉन्सर तो भी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा भी होता है, जैसे आपका आपकी रिपोर्ट अनफिट आई है, जैसे बंदे की रिपोर्ट फिट थी, आपकी रिपोर्ट अगर अनफिट है, तो अनफिट पे भी आपको दिखाता रहेगा कि इतने तारीख का आपका मेडिकल हुआ था, और इतने तारीख तक मेडिकल आपका वैलिड है, उसमें टाइम भी दिखाता है, 60 दिन का आपकी जो मेडिकल स्लिप रहेगी उस पर 60 दिन का टाइम लिखा होता है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन भी आपको दिखाता रहेगा कि ये जब तक आपका अपडेट रहेगा इस पर, उतनी तारीख तक आपका दिखाता रहेगा, उसके बाद में जब ये हट जाएगा यहाँ से, तो आप ये समझिए न्यू मेडिकल आप करा सकते हो, आपकी जो अनफिट रिपोर्ट रहती है 60 दिन तक वैलिड रहती है। ऐसा होता है कि जैसे उन लोग मेडिकल करते हैं, मेडिकल करने के बाद वो ऑनलाइन कर देते हैं, ऑनलाइन करने के बाद आपकी फिट हो या अनफिट हो उससे कोई मतलब नहीं होता उनको, डायरेक्ट ऑनलाइन कर देंगे, ये बंदे की रिपोर्ट अनफिट है, ये 60 दिन तक नेक्स्ट नेक्स्ट जो है 60 दिन तक अपना मेडिकल नहीं करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।